वेलकम टू आमिक रेंजर और हैशटैग सवाल सने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई आपके नए सवालों के साथ, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको तो पता ही क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप सभी का उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आपको राइट नॉलेज दे सकूं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है विनायक का। हाय विनायक, वो बोल रहे हैं कि न्यू मुंबई साइट विच इज नियर बाय स्टेशन, जो मैंने रूम टूर कराया था 2 BHK का, उसमें उन्होंने पूछा नियर बाय स्टेशन इज खारगर विनायक। और नेक्स्ट है वैशाली 3 मुख्य। हाय वैशाली, वो बोल रहे हैं कि व्हाट्स द प्राइस एंड एग्जैक्ट लोकेशन। प्राइस ऑफ 2 BHK इज अराउंड 45 lakhs एंड एग्जैक्ट लोकेशन इज तलोजा Phase 2। ठीक है, नेक्स्ट इज अविनाश। हाय अविनाश जी, वो बोल रहे हैं कि बढ़िया वो बोल रहे हैं कि बढ़िया, मेरे कोलगेट पेस्ट वॉशिंग मशीन में गलती से, एक्चुअली उन्होंने बोला है, मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे 10 टिप्स किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, उन्होंने उससे बोला है कि मेरी कोलगेट पेस्ट वॉशिंग मशीन में गलती से रह गई और धुल गई, ये बेकार हो गई, पर नहीं इसका इस्तेमाल अब कर सकूंगा। तो मैंने उस पर टिप्स एंड ट्रिक्स में कोलगेट भी यूज करने का बताया था, उस पर उन्होंने बोला है। तो थैंक यू सो मच, अपनी तरफ बारीकी से देखा, ध्यान दिया और आपका जो वेस्ट कोलगेट है वो भी अब काम में आ जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है विशाल जी। हाय विशाल जी, वो बोल रहे हैं कि मैंने डर्फी के मैट्रेस प्रोटेक्टर का रिव्यू दिया था, आपको ध्यान होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत पसंद भी किया आप लोगों ने उसको, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है दोस्तों। अगर आपके पास आपके मैट्रेस के लिए कोई प्रोटेक्टर नहीं है, कोई कवर नहीं है, तो आप वो वीडियो देखो और उसको ऑर्डर करो, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है और सबको लेना चाहिए, जिसके पास ये मैट्रेस है वो सबको लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि इज दिस मैट्रेस प्रोटेक्टर मेक्स नॉइस वाइल टर्निंग। तो मैंने जो रिव्यू दिया था वो डर्फी का था, वाइल टर्निंग अराउंड ड्यूरिंग साइलेंट नाइट आवर्स एज माई वेक फिट मैट्रेस प्रोटेक्टर मेक्स सम नॉइस, प्लीज चेक वंस बिफोर रिप्लाइंग। डेफिनेटली आई एम यूजिंग इट, मैं तो मतलब वही यूज कर रही हूँ डर्फी का मैट्रेस प्रोटेक्टर, तो उस पर कोई भी नॉइज नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप करवट लो, आप बैठो उठो, आप कुछ भी करो, कोई भी उस पर नॉइज नहीं आने वाला है। तो आई एम डैम श्योर एंड आई एम टेलिंग यू ऑफरेंटली कि कोई आवाज नहीं आएगा। ठीक है, आप बिंदास ले सकते हो उसको। नेक्स्ट है डीपी बैनर्जी। हाय, वो बोल रहे हैं कि यू स्पीक लाइक अ इन फ्लाइट कैबिन क्रू, नाइस वीडियो बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप कैसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के और भी मन करता है कि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूं, अच्छा लगता है ऐसे कुछ आप कमेंट्स करते रहते हो। तो नेक्स्ट है भानुमति बेन। हाय, वो बोल रहे हैं कि हाय मैम, नाइस इन्फॉर्मेशन, गैस के स्टोव के बर्नर के नीचे की जो पाइप होती है उसे कैसे साफ किया जाए प्लीज बताना। श्योर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी उसके लिए। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए अगेन। अच्छा लगता है जब आप लोग पसंद करते हो वीडियोस को, लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छा लगता है और कमेंट भी करते हो। नेक्स्ट है नेहा बंसल। हाय नेहा, वो बोल रहे हैं कि माइक्रोवेव तो आपका क्लीन ही था, थोड़ा पुराना लेते फिर दिखाते क्लीनिंग प्रोसेस। डियर नेहा, एक्चुअली देखिए मैं ना हमेशा माइक्रोवेव को क्लीन करती रहती हूँ, वंस इन अ वीक, तो वो क्लीन ही रहता है मोस्टली, तो इसलिए। लेकिन आप ये प्रोसेस अगर माइक्रोवेव क्लीन करोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइक्रोवेव है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। 1 महीना बाद 2 महीने बाद अगर हम माइक्रोवेव क्लीन करते हैं तो वो कैसे ना बहुत स्टेन हो जाता है, दाग हो जाता है और वो हेल्थ के लिए भी हमारा अच्छा नहीं रहता। तो मैं हर वीक में उसको क्लीन करती हूँ, इसलिए आपको हमेशा मेरा माइक्रोवेव क्लीन ही दिखेगा। नेक्स्ट है एनोनिमस, उनका नाम ही है। वेल एनोनिमस ने कुछ हमें 6 questions एक साथ पूछे हैं, तो 1 by 1 करके मैं उसका आंसर दूंगी। दिस questions ऑल बेस्ड ऑन dishwashers, तो उनको बहुत सारा माइंड में कंफ्यूजन है, तो चलिए 1 by 1 देखते हैं एनोनिमस का। शायद आप लोग के भी मन में ऐसा कोई सवाल हो तो मे बी इसमें कवर हो जाए, तो आप लोग भी देखिए। वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, डज इट टेक्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर लाइक RO? Do I need to manually fill water beforehand or C both? और D एक और ऑप्शन उन्होंने दिया है KBC की तरह। Is it that just when I use it till that time I have to water supply continuously like washing machine? Which one? A, B or C? Okay. Also, can I connect its pipe and tap which is above sink in a kitchen or a separate connection is required? First of all, तो डेफिनेटली अ सेपरेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिश वॉशर एंड ऑल्सो फॉर अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज
फॉर श्योर कि सिंक के ऊपर वाला जो नल होता है वो हमारा स्प्रिंग वाला नल नहीं होता है, तो उसके उसमें आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो डिश वॉशर का पाइप, ओके, तो आप इनलेट वाला पाइप, तो आपको एक सेपरेट कनेक्शन चाहिए डिश वॉशर के पाइप के, दैट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट है कि वो आरओ जैसे तो कंटिन्यूसली पानी नहीं लेता है और उतना वेस्ट भी नहीं करता है पानी, पानी वो बहुत लिमिटेड लेता है एंड आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं, इट टेक्स ऑटोमेटिकली, पानी जो है वो ऑटोमेटिक जब उसको चाहिए वो लेता है, और नल को आपको जो है टैप को आपको ऑन ही रखना है, उसको ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, इफ आई डोंट प्लेस ग्लासेस मेड ऑफ ग्लास करेक्टली बट इन अ हैपजर्ड वे, इज देयर अ चांस ऑफ ब्रेकिंग, और इट इज दैट की नो चांस ऑफ ब्रेकिंग बट यूटेंसिल्स वोंट बी वॉश करेक्टली। आंसरिंग योर क्वेश्चन योर सेल्फ, डेफिनेटली हैपजर्ड मैनर से अगर आप चीजों को रखते हो तो इट वोंट ब्रेक फॉर श्योर बट इट वोंट बी वॉश्ड करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, यू टोल्ड दैट इफ हैव टू प्लेस प्लेट्स सेपरेटली, डेफिनेटली यस इन द सेक्शंस प्रोवाइडेड, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्लेस द प्लेट्स सेपरेटली इन द सेक्शंस प्रोवाइडेड वन बाय वन, इफ द प्लेस प्लेट्स वन ओवर अनदर और से टू प्लेट्स इन द सेक्शन प्रोवाइडेड, एक के ऊपर एक या दो, एक ही सेक्शन में दो प्लेट्स अगर वो रखते हैं, वो बोल रहे हैं वो वन प्लेट, what will happen, is it that plates won't be washed efficiently or still efficient washing will take place, so dear efficient washing won't take place if you place two plates at a time, aapko ek section mein ek ek plate hi rakhni hai, so this question is clear. Now unka next question hai, why are two things detergent and rinse aid needed, if I put only one out of them what will happen, will efficiency of washing reduce or it won't wash at all, and why is salt needed, is it needed for hard water, definitely yes it is needed for hard water, you are answering yourself, but if I put salt won't it become more harder, no, what will happen if to the cleaning if I don't put salt, agar aapke ghar pe soft water aata hai to no need of putting salt, okay, you can skip it. डिटर्जेंट इज डेफिनेटली नीडेड टू क्लीन द यूटेंसिल्स एंड रिंस एड जो है वो बहुत सारा काम करता है, जैसे अगर आपको देखिए डिटर्जेंट आप डालने से आपको 100% एफिशिएंसी, देखिए अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो फैक्ट्री फिनिश वाली जो बात आती है और जो बर्तन सूखने के लिए सूखने वाली जब बात आती है तो रिंस एड वहां पे काम करता है, तो आपको अगर चाहिए तो आप रिंस एड भी स्किप कर सकते हो, इफ यू डोंट वॉन्ट योर यूटेंसिल्स टू बी 100% ड्राई और फैक्ट्री फिनिश नहीं चाहिए तो आप रिंजेट भी स्किप कर सकते हो, ओनली डिटर्जेंट से भी काम चला सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप सॉल्ट स्किप करके बोथ, आप एक तो आप डिटर्जेंट डालिए और आप रिंजेट डालिए, उसमें ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगती, थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है और बहुत दिन चलता भी है वो, तो आप दोनों चीज डालिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आई होप यू दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, कैन आई यूज एनी डिटर्जेंट एंड रिंजेट used for washing dishes or only the Fortune ones which are specially meant for dishwashers, what if I use any other detergent, no problem at all, aap other detergents bhi use kar sakte ho which are made for dishwashers and not necessary ki aap Fortune hi use karo, aap koi alag detergent finish wagera ka bhi aata hai wo bhi aap use kar sakte ho, that is also very nice, theek hai। Next unka last question hai, do I have to place all the three things like salt, detergent and rinse aid every time or can I store any one in advance, how can I measure how much of these three things I have to put and how much more is needed, very little amount is required as I said ki detergent ka bhi very little amount, salt as well as rinse aid zyada amount wo nahi leta hai dishwasher, theek hai, and definitely as I said ki aap डिटर्जेंट और रिंसेट भी यूज कर सकते हो फॉर अच्छा, आपको अच्छा एफिशिएंसी चाहिए तो आप दोनों यूज कर सकते हो या फिर आप तीनों भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं तीनों यूज करती हूँ, रिंसेट भी यूज करती हूँ, सॉल्ट भी यूज कर सकती हूँ, डिटर्जेंट भी यूज करती हूँ, तो ये तीनों भी चीज मैं यूज करती हूँ अच्छे रिजल्ट के लिए, ऑफकोर्स आप भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहिए तो आप सॉल्ट को स्किप करके रिंसेट और डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हो, आपका जो क्वांटिटी जो मैंने फॉर्चून का भी एक मैंने बताया था अच्छा पैक में अगर आप लेते तो बहुत ज्यादा दिन चल जाता है वो, डेढ़ से दो महीना आराम से आपका चल जाएगा उतना क्वांटिटी, तो उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है और
उम्मीद करती हूँ मिस्टर अनोनिमस और मिस अनोनिमस जो भी हो, आपको पूरा आपका सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप मेरे जो व्यूवर्स है बाकी के उनके भी दिमाग में अगर कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड तो वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ मन में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके सवालों का जवाब लेके आती रहती हूँ। और चीज मैं आपके साथ में जाने से पहले कहना चाहूंगी दोस्तों, मेरा कॉमेडी चैनल भी है अमिका कॉमेडी तड़का के नाम से, लिंक आपको उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियोस उसमें लाती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।